हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उसी तरह 2022 में हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये बात धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से संबंधित राकेश चौधरी ने कही। बताते चले कि राकेश चौधरी ने धर्मशाला में 2019 में आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, जिसमें 17,000 वोट अपने नाम किए थे। लेकिन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद चुनाव लड़ चुके राकेश चौधरी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। राकेश चौधरी ने कहा कि प्रदेश में जो परिवारवाद की राजनीति होती आई है, आम आदमी पार्टी जल्द उसे खत्म करेगी। जैसा कि आप लोगों को ये पता है और आपके माध्यम से कुछ लोग धर्मशाला के अंदर प्रदेश के अंदर जिन लोगों को ये पता था कि राकेश चौधरी इंडिपेंडेंट है, तो उन्हें भी एक मैसेज करना था और उसी के लिए ये वार्ता लगी कि मैंने हाल में पिछले दो दिन पहले मैंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और माननीय केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी को अपना मतलब उसके साथ चलने का मुझे निर्णय लिया हुआ है। ये तो आप सभी जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी ही चुनाव लड़ा हुआ है और 17,000 वोटों के साथ मुझे बहुत बड़ा मतलब सेकंड नंबर पर मैं रहा था उस वक्त, तो निश्चित तौर पर ये बात तो लोगों को समझनी चाहिए। और ये पार्टी का टिकट या पार्टी का टिकट देना या नेता घोषित करना वो हाईकमान का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है, जैसे भाई साहब ने ये बात पहले ही काटी है, कि जो आदमी ग्राउंड पे कार्य करेगा निश्चित तौर पे अच्छी परफॉर्मेंस देगा, उसी को टिकट पार्टी देती है। आम आदमी पार्टी का ये फंडा है, ये यहाँ ये नहीं है कि काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह काम कोई और करेगा और टिकट कोई और ले लेगा, यहाँ पर ये नहीं है। परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट मिलेगा, तो उसके लिए तो हम कार्य कर ही रहे हैं, बाकी जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, बस ये समझिए आप। धर्मशाला के अंदर मैंने बोला पानी बिजली स्वास्थ्य बहुत बुरा हाल है, शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, शिक्षा हमारी प्राथमिकता। जब आप हम बेरोजगार क्यों रह जाते हैं, हम लोगों के पास अच्छी शिक्षा नहीं है, हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। और केजरीवाल ने दो मॉडल जो हर एक आदमी की जरूरत आज की तारीख में उसको ही लॉन्च किया है। दिल्ली में ये मॉडल चला था, लोगों ने वोट दिया, दिल्ली के लोग बहुत एजुकेटेड लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है और निश्चित तौर पे वही मॉडल पंजाब के अंदर चला और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर वो मॉडल जो है वो लोगों ने स्वीकार कर लिया। मैं नहीं बोलूँगा स्वीकार करना है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि स्वीकार ये वो मॉडल हिमाचल के लोगों ने कर लिया, वो इसलिए तो बहुत ज़्यादा मतलब स्केल में जो ये क्रांति आई है इसलिए आई है। मुझे जाना था, कुछ हालात ऐसे थे कि मतलब रात तो ही मैं दिन में ही गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो भी आप बोल रहे हैं, पर वहाँ पे जाना और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व था उनसे बातचीत करके उन्होंने ही मुझे आदेश किया था कि आप आइए और आपसे पार्टी के मतलब इसके बारे में चर्चा करनी है, और वहाँ चर्चा हुई और मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। हो सकता है अगर मैं नहीं करता तो मेरी जगह कोई और होता यहाँ पे। धर्मशाला में बड़े नेताओं की कमी है, यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, पर मैंने ये बोला बड़ा नेता था नहीं, मैं वो मुझे भी मालूम नहीं है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरिपजीत निप्पी की रिपोर्ट।